वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश भर के सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें नई पेंशन योजना के तहत नहीं बल्कि ओल्ड पेंशन योजना स्कीम के तहत पेंशन दी जाए, मगर केंद्र की मोदी सरकार हो या यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार, कर्मचारियों की इस मांग पर कोई भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझ रहा है। मगर यही बात सांसदों और विधायकों के पेंशन की हो तो माननीयों को पुरानी पेंशन योजना ही अच्छी लगती है। यहाँ तक कि सजायाफ्ता पूर्व विधायक भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के करीब 2460 पेंशनर्स हैं। इनमें से 85% यानी 2091 मानवीय पूर्व एमएलए एमएलसी हैं। 20% यानी 492 दागी हैं। इनमें अतीक अहमद, डीपी यादव जैसे नेताओं को पेंशन मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक बाहुबली अतीक अहमद को हर महीने 53,000, डीपी यादव को 47,000, रमाकांत यादव को 45,000, धनंजय सिंह को 37,000 और पवन पांडे को हर महीने 27,000 की पेंशन सरकारी ट्रेजरी से मिलती है। यहाँ ये बता दें कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन है जो पूरी तरह से सरकार के खाते से जाती है और इन माननीयों को उसमें कोई योगदान नहीं रहता है। एक तरफ नेता बेधड़क पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ 20 लाख कर्मचारी अपने हक के लिए 17 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन मिले। चुनावी माहौल में भी इनकी उम्मीद धूमिल होती जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के मुताबिक यूपी के मौजूदा 403 विधायकों में 35% यानी 140 अपराधी छवि के हैं जो सैलरी ले रहे हैं, जबकि राज्य में करीब 20 लाख पूर्व और वर्तमान सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनका ये आंदोलन 17 साल से चल रहा है। जनवरी में NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू होने से पहले रिटायरमेंट पर अंतिम सैलरी के 50% हिस्से के बराबर पेंशन तय होती थी। 40 साल की नौकरी हो या 10 साल की, पेंशन की राशि अंतिम सैलरी से तय होती थी। ये डेफिनेट बेनिफिट स्कीम थी। OPS स्कीम पेंशन योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम सैलरी के आधार पर बनती थी। OPS में महंगाई दर बढ़ने के साथ DA भी बढ़ जाता था। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन योजना यानी NPS लागू की। NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नई स्कीम में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% लिया जाता है, जबकि सरकार 10% देती है। किसी भी कर्मचारी की पेंशन स्कीम निर्धारित नहीं है, सब कुछ शेयर फंड पर आधारित रहता है। NPS में कर्मचारी रिटायरमेंट पर कुल जमा में से 60% राशि निकालने का पात्र है। 40% राशि पेंशन से जुड़ी योजना में चली जाती है। दरअसल ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को कबूल करना सरकारों के लिए आसान काम नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में जहां तेजी से रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारियों के आजीवन पेंशन और फैमिली पेंशन का बोझ काफी हद तक कम किया गया है, वहीं पुरानी व्यवस्था लागू होने से सरकारी खजानों पर जबरदस्त असर पड़ेगा। मगर सवाल यही उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये व्यवस्था सांसदों और विधायकों पर लागू क्यों नहीं होती? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर बताइए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।